हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इंटरेक्ट करना, क्योंकि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, आपके लिए वीडियो भी लाई हूँ, आपके साथ खड़े होने आई हूँ ताकि आप स्किप ना करो और ऐसे ही मोटिवेशन मेरी वीडियो से लेते रहो। सो आज हम बात करेंगे सोराटिक आर्थराइटिस के बारे में। बात करने से पहले हम कुछ पिक्चर्स ऐसी देखेंगे पेशेंट्स की, जिन्होंने तकरीबन 2 महीना 3 महीना या 4 महीना लेके ट्रीटमेंट, वो सोरासिस को क्योर कर चुके हैं, सोरासिस से रिकवर कर चुके हैं और अब वो एकदम तंदुरुस्त है, हेल्दी है। तो सोरासिस अक्सर बोला जाता है कि मैनेजेबल है। मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो सालों से सिर्फ स्टीरॉइड्स ही खा रहे होते हैं, अपनी किडनी ख़राब कर रहे होते हैं, अपना लिवर ख़राब कर रहे होते हैं, अपने जॉइंट्स ख़राब कर रहे होते हैं। तो सोराटिक आर्थराइटिस स्टीरॉइड्स के चलते भी डेवलप हो जाता है सोरासिस पेशेंट में। ज़रूरी नहीं है कि हर सोरासिस पेशेंट को सोराटिक आर्थराइटिस हो, क्योंकि स्टीरॉइड्स चलते हैं, स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं जिसकी वजह से उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है सोराटिक आर्थराइटिस का। और सोरासिस उनका इतना सीवियर हो जाता है कि वो सुपरफिशियल स्किन लेयर की बजाय उसके साथ साथ अंदर आपकी हड्डियों तक जब पहुंच जाता है, हड्डियों को इफ़ेक्ट करने लग जाता है, बोन्स को इफ़ेक्ट करने लग जाता है, तो भी सोराटिक आर्थराइटिस आपको डेवलप हो जाता है। अब वो किस एज में हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी भी एज में डेवलप हो जाता है। यंग बच्चों को भी होता है, 30-40s में भी होता है, 40s के बाद भी होता है। तो आज मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप सोराटिक आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं और वो टिप्स फॉलो करके उसमें आराम पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पेशेंट्स की आप फ़ोटो देखिए, जिन्होंने सोरासिस को एकदम मात दे दी है, जो एकदम ठीक हो चुके हैं, और उनकी फ़ोटोज से थोड़ी प्रेरणा लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन लीजिए कि सोरासिस को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं बिना स्टीरॉइड्स के। तो सबसे पहले सोराटिक आर्थराइटिस समझते हैं होता क्या है। जब सोरासिस आपका बोन्स में पहुंच जाता है, जब वो आपके जॉइंट्स, जब वो आपकी बोन्स में इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, सूजन दे रहा है, तब वो सोराटिक आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। अब इसमें आपको दर्द होगा, हड्डियों में सूजन होगी, जलन भी हो सकती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक स्टिफनेस, भारीपन लग सकता है, हैवीनेस लग सकता है चलने में या मूवमेंट में, और बहुत सीवियर केसेस में जॉइंट्स के रूप ही बदल जाते हैं, मतलब जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं, बहुत सीवियर केसेस में जो 5-10% मिलता है। तो ये सोराटिक आर्थराइटिस होता है जब सोरासिस आपका ऊपर सुपरफिशियल लेयर की जगह इफ़ेक्ट करने के साथ साथ हड्डियों तक पहुंच जाता है और वो आपको बोन डिफॉर्मिटी दे देता है या बोन में सूजन या दर्द या स्टिफनेस दे देता है। अब ऐसी टिप्स जो आपको इससे बचा सकती हैं, सोराटिक आर्थराइटिस ना हो सोरासिस पेशेंट को उससे बचा सकती है, साथ ही साथ अगर है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहली टिप, अगर आपका वेट ओवरवेट है, आप अगर आपका वज़न ज़्यादा है हाइट के हिसाब से, तो आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर वेट लिफ्टिंग करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं या हैवी वॉकिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो भी आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आप लिमिटेड योगा करो, आप ऐसे पोस्टर्स मेंटेन करके रखो बॉडी के जो आपको बोन डिफॉर्मिटी ना दे या उस पर्टिकुलर बोन पे वज़न ना पड़े और आपके हड्डियों में दर्द ना हो। एक्सेसिव जिमिंग नहीं करनी आपको, एक्सेसिव जिमिंग से भी एग्रावेशंस आती हैं, दर्द ज़्यादा होता है, बोन्स के साथ साथ मसल्स में भी दर्द होता है, तो वो कंडीशन को बढ़ा देता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। आप नॉर्मल योगा, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हो डेली बेसिस पे, मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का पोस्चर ठीक कर सकते हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे ही चलते हैं स्टूप्ड होके, कुछ लोग ऐसे ही चलते हैं आगे फॉरवर्ड होके, तो पूरा दिन वो बैठे हुए हैं अगर, तो वो ऐसे झुके हुए हैं,
तो ये चीज़ें और सर्वाइकल रीजन आपका ऑब्वियसली दर्द करेगा, और आपको सोराटिक अर्थराइटिस है तो ज़्यादा दर्द करेगा। तो आपको वो पॉस्चर्स मेंटेन करके रखने हैं, सोने के, उठने के, बैठने के, चलने के, तो वो पॉस्चर्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। फीमेल्स में अगर वो हील्स कैरी करती हैं तो वो हील्स ना कैरी करें अगर सोराटिक आर्थराइटिस है तो। हील से एग्रवेशंस होती हैं, बोन पे वजन पड़ता है, पर्टिकुलरली जो आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, सूजन, दर्द डेवलप हो रहा है, वो बढ़ जाता है। तो हील्स आप अवॉइड करें। अब मैं अगर बात करूँ डाइट की, तो डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है जिससे सोराटिक आर्थराइटिस आपका ठीक हो सकता है। सबसे पहले नॉनवेज, जो आप नॉनवेज में चिकन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी। आप कभी कभार एग वाइट ले सकते हैं, बस एग वाइट, अगर आपको सोराटिक आर्थराइटिस है तो। और अगर सिर्फ सोरासिस है तो एग वाइट भी नहीं लेंगे, तो एग वाइट ले सकते हैं या कभी कभार महीने में एक या दो बार फिश ले सकते हैं अगर सोराटिक आर्थराइटिस है तो। सोरासिस है तो नहीं लेंगे, सिर्फ सोरासिस है तो नहीं लेंगे, सोराटिक आर्थराइटिस में ले सकते हैं एक या दो बार। आप जितना हो सके प्रोटीन रिच डाइट खाओ। प्रोटीन रिच में हमारी लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, चिकपीज हैं, दालें हैं, ओट्स हैं, आप ये चीज़ें खा के प्रोटीन एनरिच करो अपनी बॉडी को। आप विटामिन डी, B12, कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन लेते रहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सोराटिक आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए। आपको खट्टी चीज़ें और नमक बिल्कुल नहीं खाना है। जितना आप खट्टा खाएंगे आपके हड्डियों में सूजन बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा। और नमक, क्योंकि नमक वज़न भी बढ़ाता है, साथ साथ नमक अगर सोरासिस और सोराटिक आर्थराइटिस है तो दोनों में ही कंडीशन एग्रावेट करेगा। तो ये चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर और दही नहीं खाएंगे। आप दूध पी सकते हैं और उसमें हल्दी डाल के दूध पी सकते हैं, तो ये चीज़ें आप प्रेफर करो। अगर आप खाने में तड़का लगाने जा रहे हो तो उसमें आप लहसुन यूज़ कर सकते हो, हल्की बहुत अदरक भी यूज़ कर सकते हो, वो आपको सोराटिक आर्थराइटिस में रिलीफ दे देगी। आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, बाहर का जंक फूड नहीं खाना आपको, और अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना। तो ये कुछ टिप्स हैं डाइट में जिससे आप सोराटिक आर्थराइटिस अपना ठीक कर सकते हैं। और अगर सोराटिक आर्थराइटिस के साथ सोरासिस बहुत ज़्यादा है तो आप नारियल तेल के साथ कपूर मिला के लगाइए। नारियल तेल 100 ml लेके उसमें 2-3 कपूर की पीसेस डाल के आप उसको यूज़ करें तो आपको इचिंग, जलन में आराम मिलेगा। और आप इन टिप्स से सोराटिक आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं और अपने सोरासिस में भी आराम पा सकते हैं। और मेरे जो पेशेंट्स की वीडियोस या फोटोज़ आप देखते हैं उनसे आप मोटिवेटेड रहिए और अपने अंदर हिम्मत जगाइए कि सोरासिस को जीता जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है सोरासिस की, चाहे कितने सालों से है, किसी भी उम्र में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरी टीम से फ्री कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे आके मिलिए और अपने सोरासिस का एक परमानेंट सोल्यूशन पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।